तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एन ट्रैक 9 के अंदर आप अपने सॉन्ग को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी ट्रैक के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक गाने को रिकॉर्ड किया है, तो चलिए पहले इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार के जो भी गाने हैं यानी जो भी आप लोग गाना गाना चाहते हैं वो गाना आप अपने फ़ोन से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस गाने को सुन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले इसको मैं हटा लेता हूँ, और ये जो गाना है इस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं लगा, ठीक है। सिंपली अभी ये केवल रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, और मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, सिंपली मैं गाने की कोशिश किया हूँ सिंपली आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले इसको प्ले करके सुन लेते हैं, और इस गाने को सुनकर पहले लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस प्रकार के कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, वो भी मेरा वोकल है, ठीक है। तो आपको ये गाना कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। और इसमें मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्यू में देख सकते हैं, जो इक्वलाइजर है इसमें कोई भी मतलब इक्वलाइजर मैंने नहीं ऐड किया। उसके बाद यहाँ ऐड इफेक्ट्स, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैंने इफेक्ट भी नहीं लगाया, ठीक है, सिंपली वोकल को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप लोग इस प्रकार के गाने बना सकते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको पता नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आपको इसको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और अगर आपको ये पैड एप्लीकेशन है, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा सा उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ट्रैक पर हमको गाना रिकॉर्ड करना है उसके लिए हमको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इनपुट ऑडियो फाइल, ठीक है। उसके बाद से आपने जहाँ पर अपना ट्रैक रखा है, जिस ट्रैक पर आप गाना गाना चाहते हैं वो आपको अपने फाइल से ले लेना होगा, जिससे यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड जहाँ पर भी आपने रखा है वहाँ पर चले जाए, जिससे मैंने इंटरनल स्टोरेज में रखा है। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके तीर के आइकन पर क्लिक करके आप बैक आ सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर सारे के सारे फोल्डर मिल जाएंगे आपके फाइल के अंदर, जितने भी फोल्डर हैं, ठीक है, वहाँ से आप ट्रैक को ले लीजिए। जैसे कि मैंने जिस ट्रैक पर गाया है उसी ट्रैक को लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं गया, उसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है चुमा तुम मुझको उधार दीजिए, इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद से यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो भी ट्रैक होगा वो लोड हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये वेव फाइल में यहाँ पर लोड लेता है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब एक काम करना है कि जिस ट्रैक पर आप गाना गाना चाहते हैं उस ट्रैक का बीपीएम आपको चेक कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, उसके बाद से उस एप्लीकेशन को, जैसे ये रहा बीपीएम चेक करने वाला एप्लीकेशन जिसका नाम है क्रॉस डीजे, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा, इसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक्सप्लोरर फाइल, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद से आप जिस फोल्डर से आप अपने ट्रैक को उठा लीजिए, जिससे यहाँ पर मैं गया, और उसके बाद से नीचे हमारा ट्रैक है, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो बीपीएम है यहाँ पर 127, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको गाने लोड होंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते 127 इसका बीपीएम है, तो 127 जो बीपीएम है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ट्रैक 9 के अंदर आकर यहाँ पर टेम्पो का ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद से 127 यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। जिसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जितना भी है इस एडिट करके 127 आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर डालकर डाउन, और उसके बाद से आपको डाउन पर क्लिक कर देना होगा। डाउन पर क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पर बीपीएम सेट होगा, ठीक है। अब हमारा बीपीएम भी सेट हो गया। अब एक काम और करना है, जिस ट्रैक पर हम लोग अपने वोकल को रिकॉर्ड करेंगे यानी गाने को,
वो आपको एक ट्रिक लेना होगा। उसके लिए यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड ऑडियो ट्रिक, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक ट्रिक का आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर रेड आपको ऑप्शन दिखाई देगा, रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यानी दबा कर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्टोरेज स्टूडियो माइक ऑप्शन है, आप में मोनो माइक का ऑप्शन होगा तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर सेटिंग करना होगा, ठीक है। इससे अब स्टूडियो मोनो क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता दूं। स्टूडियो जो होता है उसमें हमारे जैसे कि यह ट्रैक है, इस ट्रैक में आपको दो लाइन दिखाई दे रहे हैं, तो स्टूडियो में जो भी हम लोग वोकल रिकॉर्ड करेंगे वो दो लाइन में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे एक लेफ्ट एक राइट। और जो से मोनो जो होता है यहाँ पर आपको यहाँ पर मोनो का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, ठीक है। तो मोनो में अगर रिकॉर्ड होगा तो वो सिंगल ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, एक साथ, मतलब एक ही आपको लाइन में वोकल रिकॉर्ड होगा, ठीक है, दोनों मिक्स ही रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अब अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे तो दो लाइन में स्टूडियो रिकॉर्ड होंगे, तो वो सही होता है, स्टूडियो सही होता है। तो उसको सेटिंग करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपने सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर सेटिंग में जाएंगे ना, तो उसके बाद से यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको डबल कर देना होगा, उसके बाद से सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्टूडियो में डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब हेडफोन लगाए कर रखेंगे तभी होगा, ठीक है, हेडफोन आप यूज कर सकते हैं। अब समझिए कि हमारे गाने रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपली हमको यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक तीन चार ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, पहला कि आप अपने हेडफोन को लगा लीजिए, ठीक है, और कहीं शांत जगह पर चले जाइए, ठीक है। उसके बाद से आप अपने ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ शांत, मतलब आवाज़ उतना गूंजता ना हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी रूम होता है तो एक बार बोलते हैं तो दो चार बार बोलता है, तो उस प्रकार का रूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले अब गाने को रिकॉर्ड करेंगे, तो कहीं शांत जगह और जहाँ हल्ला गुल्ला ना होता हो। अब रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो नोट नाउ पर क्लिक करके हम अपने वोकल को अब रिकॉर्ड करने की शुरू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट नाउ पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी यार गलती हो गया, अब इसको मैं शुरू से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर से यहाँ पर देख सकते हैं इतना रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर दबा कर रखेंगे, उसके बाद से नीचे रिमूव पार्ट्स को क्लिक करके अब शुरू से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से जाएंगे और उसके बाद से अब रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, थोड़ा गलती हो गया। तो चलिए फिर से हम लोग नोट नाउ पर क्लिक करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इतना ही गाना रिकॉर्ड किया है, ठीक है। मुझे गाना उतना याद नहीं है और दूसरी बात कि मैं सिंगर नहीं हूँ, सिंपली मैंने आप लोगों के लिए इस गाने को रिकॉर्ड किया। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि गाने जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो कैसे हैं, ठीक है, सही तरीके से, मतलब ट्रिक के साथ रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रिक का थोड़ा मैं साउंड कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब सुन लेते हैं कि गाने जो भी रिकॉर्ड हुए हैं कैसे रिकॉर्ड हुए हैं, सही रिकॉर्ड हुए हैं या गलत। तो देख सकते हैं इसका जो साउंड है, यानी मतलब जो हमारा वोकल है उसका थोड़ा साउंड, मतलब जो भी है जो लाइनिंग बोला जाए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको सही करना। इसका जो मतलब ट्रिक है वो आगे पीछे हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे शुरू से भी और यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा काट लेंगे, ठीक है। हमने काट लिया, उसके बाद से देखेंगे कि हमारा जो वोकल रिकॉर्ड होगा वो कहाँ से होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा गाना यहाँ से रिकॉर्ड होगा, तो थोड़ा सा हम इसको आगे कर लेंगे, ठीक। इसको आगे करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको और आगे कर लेंगे। सॉरी यार, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद से हम इस पर क्लिक करके आगे करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे पीछे नहीं हो रहा था, सिंपली हम क्या करें, इस पर क्लिक करके देखते हैं, अब हो सकता है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फिर क्लिक करके और पहले
कुछ यहाँ पर कुछ इस टूल्स को आप यूज कीजिएगा। तो उसके बाद से इसको छोटा करके, ठीक है, उसके बाद से हम इसे फिर से सुनकर अच्छे तरीके से इसे बैठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर इस पर देखते हैं, चलिए अब हो रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें जूम करके और थोड़ा सा देख लेते हैं, अब हो गया। अब सुनकर देखते हैं, अब सुनकर देखते हैं, अब देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये वोकल बैठ चुका है, ठीक है। और फिर से सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये अब ट्रैक का ऑप्शन है, इसको मैं सही से बैठा दूंगा। अब चलिए सुनते हैं शुरू से। चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। देखिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, देखिए अब बात सही आ चुका है। अंडो पे क्लिक करेंगे सही हो जाएगा। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हमने वोकल को रिकॉर्ड किया। और अगले वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि किस प्रकार से इस पर इफेक्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।